सप्तमी का पट खुलते ही भक्तों के अंदर एक उत्साह देखा जा रहा है। रात का समय है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो लगातार पंडालों तक पहुंच रहे हैं और माता रानी का दर्शन के लिए उनके अंदर जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मठिया मोड़ पर, जहां आप देखिए कि ये खूबसूरत पंडाल बनाया गया है। ऊपर आपको लहलहाता हुआ लाल रंग के झंडा दिखाई देगा जो अमूमन तमाम मंदिरों पर रहता है, तो एक खूबसूरत तस्वीर देने की कोशिश की गई है। तो अंदर भी हम चलेंगे, अंदर का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे, लेकिन पहले आप पंडाल को देखिए कि किस खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और दो यहाँ एंट्री गेट बनाया गया है, एक जाने के लिए और दूसरा निकलने के लिए, इन आउट जो होता है वो बनाया गया है। तो ये काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से और कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए भी तमाम तरह की जो यहाँ व्यवस्था है वो की गई है। और आप देखिए कि पंडाल के सामने एक नर्सरी भी बनाया गया है और इसके जरिए भी एक खूबसूरत लुक देने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो पर्यावरण होता है वो हरा भरा होता है और कहीं ना कहीं इस प्रकृति का जो चीज़ें हैं ये जुड़ी हुई है, क्योंकि शास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है कि प्रकृति का जो सार है वो कहीं ना कहीं एक देवी शक्ति से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ समिति के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम श्याम जी यादव है। अच्छा, ये कौन सा क्लब है, कौन सी समिति? नवयुवक दुर्गा पूजा समिति है। अच्छा, कहाँ ये जगह कहाँ है? नवयुवक दुर्गा पूजा समिति, नई बाजार मठिया मोड़, वार्ड नंबर 5। तो काफी खूबसूरत आप लोगों ने इस बार पंडाल का निर्माण कराया है, कहाँ के कलाकार ने किया और क्या कुछ इस बार आप लोगों ने लुक दिया है? इस पंडाल के लिए कहीं बाहर से कोई कलाकार नहीं आता है, स्थानीय लोग हैं और स्थानीय लोग और जो बच्चे हैं उनके मदद से उनकी कलाकारी इस पे दिखी हुई है। कहीं से कोई बाहर से कोई कलाकार नहीं आता है, पर्टिकुलर यहाँ के रहने वाले ही जो स्थायी बच्चे हैं वही इस पंडाल का आकृति करते हैं। और अभी से नहीं, 2009 से यहाँ पूजा पंडाल बनाना शुरू हुआ, पूजा शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक बाहर से कभी कोई कलाकार नहीं, एक से एक मंदिरें बनी यहाँ पर, पागल बाबा, हरिद्वार टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, टाइटेनिक, बहुत सारी कई सारी बड़ी बड़ी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। हर साल एक नया लुक देने की कोशिश होती है, इस बार क्या लुक दिया आप लोग? इस बार भी गुजरात का राधे कृष्ण मंदिर का लुक दिया गया है मंदिर का, और भव्य तरीके से, और हमारे समिति के द्वारा अच्छा सा दिया जाता है कि कहीं से कोई बाहर का कलाकार ना करके बच्चों के अंदर की जो कला है, जो प्रतिभा है उसको दिखाने का काम करती है हमारी समिति और यहाँ के बच्चों के प्रतिभाओं को बढ़ाती है। और आपको एक और एक ऐसे शख्स आपको मिलाना चाहेंगे जो इस पूरे प्रकरण में, जो पूरा पंडाल बनता है उन्होंने, जिनका उन्हीं के मदद से बनता है, हमारे जो डायरेक्टर कहा जाए, मैनेजमेंट कहा जाए, जो भी है, मेरे भैया हैं, आ जाइए, पूरे इस पंडाल का बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर ये जो पूजा है इसके लिए कई कई लोगों के सहयोग से होता है और कोई ना कोई इसमें लीडर का काम जरूर करता है। आप उसी लीडर की बात कर रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? वकील सिंह यादव है मेरा। अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत सर। किस तरीके से आप लोग इस बार पूजा कर रहे हैं? चूंकि पिछले बार कोरोना था तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो नहीं पाई थी, लेकिन इस बार आप लोगों ने काफी कोशिश की है। हाँ सर, अगली बार तो हम लोग सिर्फ इसी तरह पूजा किए थे, लेकिन इस बार पंडाल बना हुआ है, हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मैं तो सिर्फ डायरेक्ट करता हूँ, लेकिन ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, उसका जो परिणाम है आपके सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पंडाल बनाने के लिए काफी दूर दूर से भी कलाकार आते हैं, मूर्तियां बनाने के लिए कलाकार आते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ ने लोकल स्तर पर इसको बनाया है, कितना समय लगा? अभी तो बारिश 5 दिन लेट कर दिया, हम लोग बहुत फास्ट काम किए हैं तो 15 दिन लग ही गया। इस बार क्या लग रहा है पिछले बार की अपेक्षा और इस बार की अपेक्षा? कोरोना काल भी था तो क्या अंतर लग रहा है पूजा में? सब अबरी बार बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है, अगले बार से अबरी बार ज़्यादा भीड़ होने वाला है, इसलिए कि अगले बार भी लोग घूम नहीं पाए थे, अबरी बार बहुत भीड़ होगा। आज सप्तमी से ही भीड़ चालू हो गया है, अब तो हाँ अब 3 दिन है, अब घूमने के लिए बहुत लोग आएंगे, देहात से भी सब आएंगे। बिल्कुल, आज पहला दिन है तो जाहिर तौर पर आप लोगों की भीड़ कम है, लेकिन ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि कोरोना के बाद जब इस तरह का आयोजन हुआ है दुर्गा पूजा का इस बार, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बार जो है लोगों की जो भीड़ है वो पंडालों के तरफ जरूर उमड़ेगी और लोगों की जो कोशिश होगी वो कि इस बार का जो दशहरा है उसको कुछ खास बनाया जाए। पंडाल के अंदर हम पहुँच चुके हैं और देखिए कि आप जब कहाँ जहाँ भी आपको दिखा
दिखा रहे हैं बाहर के कलाकारों के तरफ से बनाया गया है, लेकिन आप यहाँ देखिए कि बताया जा रहा है कि पंडाल से लेकर के मूर्तियाँ तक जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी मदद से बनाया जाता है। तो आप देखिए कि कितनी खूबसूरत तस्वीर माँ की ये बनाई गई है और पंडाल की ये खूबसूरती आप देख करके समझ सकते हैं कि कितनी लगन और मेहनत के साथ, कितनी श्रद्धा के साथ लोगों ने यहाँ काम किया होगा। तो जाहिर तौर पर यहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी अद्भुत है। तमाम जो मूर्तियाँ हैं देवी की वो अलग अलग रूपों में आप देखिए कि गणेश भी हैं, उसके अलावा लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, उसके बाद स्वयं माँ दुर्गे हैं। तो तमाम जो देवियों का स्वरूप है उसको इस पंडाल में दिखाने की कोशिश की गई है। और सबसे खास बात कि यहाँ के स्थानीय जो युवा हैं, उनकी जो कमेटी है, उनकी जो टीम है, उनके तरफ से ये तमाम कोशिशें की गई हैं और इसको, इस बार के पूजा को और बेहतर और खूबसूरत और यादगार बनाने की उन लोगों के तरफ से कोशिश की गई है। आप देखिए कि पीछे जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पंडाल में पहुँच रहे हैं और उनके तरफ से भी ये कोशिश हो रही है कि इस बार के पूजा को कुछ खास और कुछ यादगार बनाया जाए। और आप देखिए कि यहाँ लगातार जो लगाते हैं, आप चाहेंगे कि हमको भी टीका कीजिए, मुझे भी आशीर्वाद मिले। और ये बताइए क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। अच्छा, तो आप पुजारी हैं? नवरात्र किए हैं। अच्छा, नवरात्र किए हैं इस बार? हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार कैसा महसूस हो रहा है, चूंकि पिछले बार तो पूजा हुआ नहीं था, इस बार आप लोगों ने व्रत व्रत किया है, पूजा किया है, तो इस बार हम लोग को अच्छा महसूस हुआ है। अच्छा, उत्साह है इस बार पूरा? हाँ। तो देखिए, आप मिला रहे थे इनसे, उम्र इनकी काफ़ी भले ही कम है लेकिन उत्साह की कोई कमी नहीं है, श्रद्धा का इनके अंदर पूरी जो आस्था है वो भरी हुई है और यही वजह है, यही श्रद्धा है कि ये इस बार व्रत किए हुए हैं और इनके तरफ से भी कोशिश है कि इस बार के पूजा को खास बनाया जाए। तो आप देखिए कि आपको दिखा रहे थे कि मठिया मोड़ का ये नज़ारा था पंडाल का और यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से इस बार के दशहरे पूजे को खास बनाने की कोशिश की गई है। तो आपको हम दिखा रहे थे यहाँ का पंडाल, आगे और चलेंगे और पंडाल की भी क्या कुछ खूबसूरती है, क्या कुछ खास बातें हैं, उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पूरे शहर के पंडाल का हम आपको भ्रमण कराएंगे। आप देखते रहिए बक्सर खबर, बने रहिए हमारे साथ।